हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का विजुअल आर्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है और उसके आगे का जो पार्ट है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगी कि आज मैं पूरा सिलेबस कवर करा सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अब से भारतीय वास्तुकला। इसमें क्या है? प्रारंभिक भारतीय वास्तुकला प्राचीन साहित्य और शिल्प ग्रंथों के संदर्भ में सिंधु घाटी मौर्य स्तूप का उद्भव और विकास, भरूच, सांची, सारनाथ और अमरावती। हमें भारतीय वास्तुकला में ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। नेक्स्ट सेल गुफाओं का कालक्रम, जिसमें लोमा सिसी गुफा, खंडगिरी, उदयगिरी, भाजा, कार्ले, कन्हेरी, अजंता, एलिफेंटा, एलोरा और मामल्लापुरम। अगर हमारा सारा वंश तैयार है तो हमें ये उसमें से मिल सकता है। ये इसमें लोमा सिसी गुफा भी तैयार हो जाएगा, खंडगिरी, उदयगिरी, भाजा, कार्ले और कन्हेरी। फिर अब बात करें मंदिर वास्तुकला का क्रम विकास की, जिसमें नागर शैली, द्रामीण और बेसर सर्वंगों में उनका वर्गीकरण। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रामीण शैली, इनका सही कालक्रम लगाइए, या फिर नागर शैली में कौन कौन सी मंदिरें आती हैं, द्रामीण शैली में कौन कौन सी मंदिरें आती हैं, या फिर बेसर शैली में। जैसे सबसे पहले आता है नागर शैली, फिर द्रामीण शैली, फिर दोनों का मिश्रण होता है बेसर शैली। नेक्स्ट गुप्तकालीन मंदिर उड़ीसा में हुए विकास, जैसे परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज, कोणार्क। जैसे कोणार्क कब आया? कोणार्क 13वीं शताब्दी की है। फिर लिंगराज, मुक्तेश्वर, परशुरामेश्वर, तो इनके हमें सीक्वेंस और इनमें जो भी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो सारी चीज़ें कवर करनी है। नेक्स्ट है चंदेल, प्रतिहार, परमार और सोलंकी मंदिर शैलियाँ, चालुक्य के राष्ट्रकूट और होसाला मंदिर वास्तुकला, जैसे कि विरूपाक्ष, कैलाशनाथ मंदिर, होसलेश्वर, पल्लव, एकाश्मी और संरचनात्मक मंदिर, चोल मंदिर, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर। फिर नेक्स्ट की बात करें सल्तनत और मुगल शासन के दौरान साम्राज्य की वास्तुकला, जिसमें हमें तैयार करना है विभिन्न प्रांतीय इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताएँ। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की जो भी विशेषताएँ हैं हमें वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। ऐसे मुग़ल वास्तुकला में हुमायूं का मकबरा। अब मुग़ल वास्तुकला तो काफ़ी है, अब मुग़ल वास्तुकला में जितनी भी मैटर्स हैं वो तो हमें तैयारी करना है, साथ ही साथ जो इसमें डिफ़ाइन करके दिया है हुमायूं का मकबरा, फ़तेहपुर सीकरी, सिकंदरा, ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद, इस पर हमें सबसे अधिक फोकस करना है, क्योंकि हमेशा जो भी इम्पॉर्टेंट होता है वो सिलेबस में अलग से डिफ़ाइन करके दे देता है। जैसे हुमायूं का मकबरा कब बना, फ़तेहपुर सीकरी कब बना, सिकंदरा किसने बनवाया, ताजमहल कब बना। जैसे ताजमहल हमारा बना 1632 में, कब बना? 1632 में बना। लाल किला कब बनाया गया, जामा मस्जिद कब बनाया गया, किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें हमको इसमें तैयार करनी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक में औपनिवेशिक और आधुनिक वास्तुकला, जिसमें आता है ली कार्बूजिए, चार्ल्स कोरिया, पी वी दोषी। इनके अलावा अगर हमें औपनिवेशिक वास्तुकला में और अन्य आर्टिस्ट मिलते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे ली कार्बूजिए, इनका डेट ऑफ बर्थ है हमारा 1887 का डेट ऑफ बर्थ है 1887। नेक्स्ट चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया का है 1930। पी वी दोषी हैं 1927। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजिए। फिर नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट आता है भारतीय चित्रकला, जैसे पूर्व आधुनिक विकास, इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला, अजंता में भित्ति चित्र और तत्पश्चात में भित्ति चित्रकला की परंपरा का विस्तार से अध्ययन, जिसमें उदाहरण बाग, बादामी, एलोरा, शीतलवासन, लिपाक्षी, केरल, भित्ति जैसे मट्टनचेरी पैलेस। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर जितने भी अन्य गुफाएं हैं उनकी हमें तैयार करनी भित्ति चित्रण। जैसे अजंता की भित्ति चित्रण कौन सी है, फिर लिपाक्षी मंदिर की भित्ति चित्रण कौन कौन से प्रसिद्ध है, लिपाक्षी मंदिर कहाँ है, लिपाक्षी मंदिर अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में। जैसे पूछ लिया क्वेश्चन लिपाक्षी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिंदू मंदिर है ये। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हैंगिंग पिलर।
हैंगिंग पिलर किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी मंदिर को। से नेक्स्ट केरल भित्ति चित्र, जैसे मट्टनचेरी पैलेस, अब हमें मट्टनचेरी पैलेस पढ़ना है। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ है? केरल में है। मट्टनचेरी पैलेस किस धर्म को समर्पित है? हिंदू धर्म को समर्पित है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर नेक्स्ट बात करें पांडुलिपियाँ, चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा, जैसे पूर्वी और पश्चिमी भारतीय पांडुलिपियाँ, सल्तनत चित्रकला, जैसे चौर पंचासी का, और मुगल पूर्व मुगलकालीन परंपरा। अब चौर पंचासी का में से हमने तैयार, चौर पंचासी का ग्रंथ किसने लिखा है? विल्हर ने लिखा है। ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कहाँ की मानी जाती है? कहाँ कहाँ इस ग्रंथ का निर्माण हुआ? जैसे सबसे चौर पंचासी का की राजस्थानी के मेवाड़ में भी प्रसिद्ध है चौर पंचासी का। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अकबर में, अकबर से शाहजहाँ तक मुगल चित्रकला। अब अकबर से शाहजहाँ की मुगल चित्रकला को हमें तैयार करना है, इनके लघु चित्र साथ से इनके ग्रंथ। जो सबसे पहले कौन से शासक हैं? सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो इनके जो भी ग्रंथ हैं और साथ इनके जो भी लघु चित्र हैं, जैसे हमजानामा किसने लिखा? अकबर ने लिखा। तूतीनामा किसने लिखा? अकबर ने लिखा। तो वो सब चीज़ें हमको तैयार करनी है। फिर नेक्स्ट बात करें हम आधुनिक राजस्थानी लघु चित्रकारी की, तो राजस्थानी लघु चित्रकारी में भी हमें पढ़ना, राजस्थानी चित्र लघु चित्रकारी की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। फिर पहाड़ी लघु चित्रकारी, उसके बाद फिर दक्षिणी चित्रकारी, दक्षिणी चित्रकारी में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। फिर नेक्स्ट की बात करें तो आधुनिक भारतीय कला, जैसे भारतीय कला में आधुनिकता से राजा रवि वर्मा, ई वी हेवेल, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिस, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये जो आर्टिस्ट हैं इनकी डीप नॉलेज रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डीप नॉलेज के साथ साथ इनके जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में दे देता है सीक्वेंस में करने के लिए। तो हम जब भी किसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उनका सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ज़रूर याद कर लेंगे। जैसे राजा रवि वर्मा हैं, इनका 1848, इनका 1848। बात करें हम आनंद कुमार स्वामी की, तो आनंद कुमार स्वामी का 1877। फिर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर का 1871। तो ये सब चीज़ें हमें तैयार करनी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें बंगाल और परंपरा, जैसे नंदलाल बोस, विनोद बारी मुखर्जी और रामकिंकर बैज, फिर अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय। फिर नेक्स्ट बात करें 1940 में दशक के कलाकारों का समूह, कलकत्ता ग्रुप। अब कलकत्ता ग्रुप, फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो विजुअल आर्ट की दृष्टि से, नेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई। दिल्ली शिल्पी चक्र की 1949 में हुई। चोलमंडल की कब हुई? 1966 में हुई। इनके संस्थापक कौन माने जाते हैं? फिर अगला है 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण को समसामयिक प्रवृत्तियाँ, उदाहरणार्थ संस्थापन कला, प्रदर्शन, डिजिटल वीडियो इत्यादि और चयनित कलाकारों का अध्ययन। संस्थापन कला में हमें क्या पढ़ना है? इंस्टॉलेशन आर्ट हैं, इनके प्रसिद्ध चित्रकार सुबोध गुप्ता, नलनी मलानी, विवान सुंदरम, इन सब के माध्यम और इनके डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद प्रदर्शन कला, डिजिटल आर्ट, वीडियो आर्ट की भी हमें नॉलेज रखनी है, ताकि क्वेश्चन कभी भी अगर हमारा आए तो वो सही हो सके। बात करें पाश्चात्य कला, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक पाश्चात्य कला का सिंहावलोकन, जिसमें प्रागैतिहासिक कला, प्राचीन मिस्र में कला, एजियाई कला, यूनान और रोमन, प्रारंभिक एशियाई और बाइजेंटाइन कला। तो प्रागैतिहासिक कला ये वेस्टर्न है, तो इसमें हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक कला को कितने भागों में बांटा गया है, ये किस किस केंद्र में है, जैसे उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा, दक्षिणी में लास्को की गुफा, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रागैतिहासिक मिस्र में कला, एजियाई कला, यूनान और रोमन, प्रारंभिक ईसाई और बेजेंटाइन कला, रोमनेस्क और गोथिक, और पुनर्जागरण चित्र और मूर्ति कला। पुनर्जागरण कालीन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाई रेनासा, जिसके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी मानी गई है? पिएटा, डेविड, ये कब बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें। इनके अलावा लियोनार्डो दा विंची, राफेल, इनका डेट ऑफ बर्थ और इनकी प्रसिद्ध मूर्तियाँ, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें मैनरिज्म तथा बारोक चित्र एवं मूर्तिकला, रोकोको, नौ अभिव्यंजनावाद एवं रूमानीवाद, फिर आधुनिक आंदोलन, उदाहरणार्थ जैसे यथार्थवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, फाविज्म, अभिव्यक्तिवाद, क्यूबिज्म, रचनावाद,
भविष्यवाद, दादा और अति यथार्थवाद और अमूर्त अभिव्यक्तिवाद। ये जितने भी इज्म हैं, जैसे जो भी वाद है हमारे, तो जो भी हमारे वाद इस सिलेबस में हैं और जो भी नहीं हैं, जैसे नौशास्त्रीयतावाद से स्टार्ट करते हैं, नौशास्त्रीयतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, इनके आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, इनकी स्थापना कहाँ हुई है, तो सारे इज्म का हमें स्थापना वर्ष, कहाँ इसकी स्थापना हुई, इनके कालक्रम और इनके जो भी चित्रकार हैं उनको तैयार करने हैं। जैसे यथार्थवाद, यथार्थवाद के चित्रकार माने तो कुर्बे और ओनोरे दोमिये, प्रभाववाद के क्लाउड मोने, उत्तर प्रभाववाद फाविज्म। उसके बाद आता है हमारा ऑप आर्ट और पॉप आर्ट, जैसे पॉप आर्ट और ऑप आर्ट के संस्थापक कौन हैं, फिर उत्तर आधुनिकवाद, विकास उदाहरणार्थ अल्पतम और संप्रत्यात्मक कला। ये जितनी भी छोटी छोटी कलाएं हैं इनकी भी हमें नॉलेज रखनी है, जैसे कि फ्लक्सस आर्ट, आर्ट पोवेरा, जैसे फ्लक्सस आंदोलन कब आया 1960 में, इनकी आर्टिस्ट कौन माने, जेप्सर जोन्स इनके आर्टिस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट आर्ट पोवेरा, आर्ट पोवेरा के आर्टिस्ट कौन है, पॉल सल्वाडोर हैं। फिर शारीरिक कला की बात करें, शारीरिक कला, भूमि और पर्यावरण कला, से भूमि कला के सबसे प्रसिद्ध एक चित्रकार माने जाते हैं क्रिस्टो, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1901। फिर हम अगली बात करें ग्रैफिटी, प्रक्रिया कला, प्रदर्शन कला, संस्थापन कला, नौ अलंकरण, घटना कला, नारीवादी कला और समलैंगिक। फिर हम नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट है हमारा प्राचीन निकट पूर्व की कला, जिसमें प्राचीन मेसोपोटामिया, सुमेर, अक्कड़, बेबीलोनिया, असीरिया की दृश्य कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, अकमेनिड और ससानी फारस में कला। तो हमें पूरा मेसोपोटामिया कवर करना है, जिसमें सुमेर आता है, अक्कड़, बेबीलोनिया और असीरिया। फिर आता है हमारा सुदूर पूर्व, केंद्रीय और दक्षिण पूर्व एशिया की कला। अब ये आपको गूगल से मिल जाएगा, क्योंकि गूगल में इनके बारे में काफ़ी कुछ है, जैसे सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो वो सिया राजवंश है सुदूर पूर्व केंद्रीय का। फिर उसके बाद सांग, फिर उसके बाद झोऊ, उसके बाद हान राजवंश, उसके बाद आता है हमारा तैंग राजवंश। और ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस राजवंश ने राज किया है, तो वो है झोऊ राजवंश। उसके बाद छह राजवंश और टैंग चित्रकला। तो ये पूरा जो एक पैराग्राफ है ये पूरा आपको कवर करना है, जिसमें आता है हमारा ओकियो ई वुड ब्लॉक प्रिंट, एडोकाल से ओकियो ई वुड ब्लॉक प्रिंट, तिब्बत बौद्ध प्रतिमाएं। ओकियो ई वुड ब्लॉक प्रिंट की स्थापना कब हुई, किस शताब्दी में हुई, तो ये 17वीं-19वीं शताब्दी में हुई। ये कहाँ की है, ये जापान की है। फिर नेक्स्ट है बौद्ध प्रतिमाएं और थंका चित्रकला परंपरा, नेपाल बौद्ध ब्राह्मणिक मूर्तिकला और चित्रकला, श्रीलंका मूर्तिकला और चित्रकला, उदाहरण सिगिरिया भित्ति चित्र। सिगिरिया हमें पूरा तैयार करना है भित्ति चित्रण के लिए, जो कहाँ है, श्रीलंका में है। फिर कंबोडिया मूर्ति और वास्तुकला, विशेष रूप से अंकोरवाट और अंकोरथाम, से अंकोरवाट हमारा हिंदू मंदिर है और अंकोरथाम भी हिंदू मंदिर है, ये कहाँ है, कंबोडिया में है। फिर बात करें जावा मूर्तिकला और वास्तुकला, उदाहरणार्थ डायंग पठार कैंडिन्स, दी बोरोबुदुर स्तूप और प्रम्बानम मंदिर। ये क्वेश्चन बोरोबुदुर का एग्जाम में पूछा था कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है, तो ये जावा में है। किस धर्म को संबंधित है, तो बौद्ध धर्म को। प्रम्बानम मंदिर किस धर्म को समर्पित है, हिंदू मंदिर को। फिर म्यांमार, वर्मा और सियांग, थाईलैंड इत्यादि में बौद्ध कला। इन सब में हमें क्या पढ़ना है, बौद्ध कला, कि थाईलैंड में जो बौद्ध मूर्ति बनी हुई है वो किस मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है कि वरद मुद्रा में है कि भूस्पर्श मुद्रा में है, तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें कवर करनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय लोक तथा जनजाति कला, तो पूरा लोक कला इसमें आ जाएगा। फिर रेखा चित्र और चित्रकला, जिसमें सौंदर्य शास्त्र आ जाता है, जिसमें नेक्स्ट हमारा रेखा चित्र तथा चित्रकला के मूलभूत तत्व, दृश्य कलाओं में बिंब विधान, दृश्य कला का उद्भव और विकास, कलाओं का वर्गीकरण, संकल्पनात्मक एवं दृश्य परक यथार्थ, चित्रकला में सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन की प्रासंगिकता, भारतीय संस्कृति में प्रारंभिक दार्शनिक विचार, समाज में कला की प्रकृति और कार्य। अब इंडियन सौंदर्य शास्त्र की बात करें, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सूत्र की संकल्पना और उनकी टीकाएं, तो इसमें रस क्वेश्चन पूछता है कि भरत मुनि किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। इसमें रस सिद्धांत आ जाएगा, साधारणीकरण आ जाएगा, ध्वनि अलंकरण, औचित्य इत्यादि, औचित्य के छेमेंद्र माने जाते हैं।
शिल्प ग्रंथ जैसे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र, कामसूत्र, पर्यशोधरा की टीका के अंतर्गत षडांग का मैंने नोटिस किया था, मैंने पढ़ा भी है कि षडांग का क्वेश्चन करता है सीक्वेंस में, जैसे रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य भंग इति षडंग कम। तो ये जो इसका सूत्र है इसका एक एक वर्ड में सीक्वेंस में करने के लिए देता है, जैसे रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, तो इसका कालक्रम में आता है। अगला है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में एक ही कुमार स्वामी, जैसे आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान, इनका सौंदर्य के लिए जितनी भी पुस्तक हैं वो सारी चीज़ें। फिर आता है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में अनुकरण और प्रतिरूपण का सिद्धांत, विवेचन, प्लेटो और अरस्तु, जैसे कांट, हिगेल, क्रोचे, टॉलस्टॉय, बॉमगार्टन, शोपेनहावर, क्लाइव बेल, रोजर फ्राई, आईए रिचर्ड, सुजान लैंगर, सिगमंड फ्रायर और जार संतायना के सौंदर्य शास्त्री विचार। इनके साथ साथ हमें तैयार करना है इनके डेट ऑफ बर्थ और इनके जो भी सिद्धांत हैं वे, जैसे हिगेल 1770, क्रोचे 1866, टॉलस्टॉय 1828, तो ये सारी चीज़ें। फिर रेखा चित्र एवं चित्रकला का इतिहास, भारतीय चित्रकला, भारत में प्रगतिहासिक चित्रकला, जो सारी पीछे दे जा चुकी हैं वो सारे पीछे कवर हो गई हैं, ये सारी चीज़ें हमें तैयार करना है। तो उसके बाद पाश्चात्य चित्रकला, वही फ्रांस और स्पेन की प्रगतिहासिक चित्रकला, जैसे मिस्र और एजियाई कला, यूनानी और रोमन चित्रकला, बाइजेंटाइन, गोथिक, पुनर्जागरण, मैनरिज्म, बारोक, रोकोको, नौ अभिव्यक्तिवाद, रूमानी, यथार्थवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, फाविज्म और प्रतीकवाद। सिलेबस काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर हमारा सिलेबस स्टार्टिंग से तैयार होता जाएगा तो ये वही चीज़ें रिपीट की गई हैं, जब हमारा स्टार्टिंग में तैयार हो जाएगा तो वो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करें सामग्री और विधि, हमें ये तैयार करना है। फिर कला स्कूल और कला शिक्षा, जिसमें संग्रहालय आते हैं, उसके क्यूरेटर्स आते हैं, जैसे भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है, भारत कला भवन कहाँ है, वाराणसी में है, सलारगंज म्यूज़ियम कहाँ है, हैदराबाद में है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें औपनिवेशिक काल से कला स्कूलों के माध्यम से कला में औपचारिक प्रशिक्षण का प्रारंभ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चेन्नई, कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर के कला विद्वानों में कला अकेडमियों के माध्यम से कला उन्नति तथा शिक्षा शांति निकेतन और बड़ौदा में संस्थानिक कला शिक्षा पर पुनर्विचार। फिर कला शिक्षा में कला दीर्घाओं और संग्रहालयों की भूमिका, संग्रहालय दीर्घा के कार्यरत कलाकारों और इतिहासवेत्ताओं के बीच सहयोग के रूप में संरक्षकीय क्यूरेटोरियल उद्यम में वृद्धि, जनता और कलाकार के बीच संवाद स्थापित करने में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। जैसे कला स्कूल हो गई हमारी, कला स्कूल में हमें तैयार करने कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, सबसे पहले कौन सा कला स्कूल आया, उसके बाद कौन सी कला विद्यालय आई, उसके बाद कौन सी आई, तो इनका हमें कालक्रम पढ़ना है। फिर नेक्स्ट बात करें अनुप्रयुक्त कला, इसमें डिज़ाइन के तत्व एवं सिद्धांत, ग्राफिक इसमें आ जाएगा, ग्राफिक में हमारे सब है। फिर विज्ञापन की विधाएं और मीडिया, उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन और कैंपेन और पैकेजिंग, फिर उसके बाद विज्ञापन, कारपोरेट और नवीन प्रवृत्तियां जो एडवर्टाइजिंग से संबंधित है। फिर आएगा हमारा सौंदर्य शास्त्र और इतिहासकार। फिर ढंग, माध्यम एवं प्रक्रिया, जिसमें आता है हमारा उत्कीर्णन, एचिंग, लाइन, एक्वाटिंट, सॉफ्ट ग्राउंड इत्यादि, इनका भी ग्राफिक के जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे लिथोग्राफी की स्थापना कब हुई, एचिंग, उत्कीर्णन क्या है, कास्ट, मेजोटिंट क्या है, विस्कोसिटी, ये सारी चीज़ें। फिर छापा चित्रण में प्रयुक्त भिन्न प्रकार के माध्यमों, जैसे कास्ट, लीनो, तांबा, जस्ता, फ्लाईवुड, पत्थर, एक्रेलिक, कागज, कार्डबोर्ड, गोंद, अम्ल, रसायन, स्याही, रेजिन, सॉफ्टवेयर, औजार, मशीन, उपकरण इत्यादि। और प्रिंटिंग प्रक्रिया का ज्ञान, प्रिंटिंग होने तक सामग्री की पहचान से लेकर मुद्रण तक, डिज़ाइनिंग करना और विभिन्न प्रकार की सेटों की तैयारी। फिर आता है हमारा कलाकृतियाँ, जैसे भूतकाल से लेकर आधुनिक काल तक के महान प्रिंट निर्माताओं की कृतियाँ और छापा चित्रण के विकास में उनका योगदान, उदाहरण जैसे अल्बर्ट ड्यूरर, रैमब्रांड, होगार्ट, गोया, गॉगिन, देगा, लोत्रेक। जैसे मैंने पढ़ा था जब, तो मैंने एक पेज में क्या किया था, सारे आर्टिस्ट को लिख लिया था। उसके बाद सारे आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ, जैसे रैमब्रांड 1606, अल्बर्ट ड्यूरर 1471, तो ये सारी चीज़ें
आ जाएंगी। और साथ ही साथ इनका प्रिंट निर्माताओं की कृतियाँ, इनने प्रिंटिंग में कौन कौन सी चित्रण बनाए हैं, वो सारी चीज़ में आ जाएंगी। उसके बाद भारत में प्रिंट मेकर का विकास, औपनिवेशिक काल की अवधि में अंग्रेजों का योगदान तथा प्रभाव, प्रेस तथा स्कूल की स्थापना, 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर स्वतंत्रता पूर्व काल तक लोकप्रिय प्रिंट मेकिंग, स्वतंत्रता पश्चात भारत में प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया। फिर आता है हमारा भारतीय प्रिंट निर्माताओं का योगदान, जैसे राजा रवि वर्मा, विचित्रा क्लब के सदस्य मुकुल चंद्र डे, गंगेन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि, शांति निकेतन स्कूल, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, विश्वरूप बोस, रमन चक्रवर्ती, हरेन्द्रदास, सोमनाथ होर, चित्र प्रसाद, ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, वाई के शुक्ला, बसंत परव, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, लक्ष्मी ललिता लाजमी, नैना दलाल, लक्ष्मा गौड़ इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हमें सिलेबस के दौरान कवर करनी है। फिर आता है प्रिंट एवं मुद्दे, उसके बाद मूर्तिकला, मूर्तिकला के तत्व एवं सिद्धांत, उसके बाद मूर्तिकला प्रवृत्तियों में विविध माध्यमों का अध्ययन, जिसमें क्ले और मोम के बारे में है, प्लास्टर और पेरिस, POP, कास्ट, पत्थर, धातु, संयोजन तथा संस्थापन। उसके बाद आता है हमारे स्मारकीय मूर्तिकला। स्मारकीय मूर्तिकला विशेष क्षेत्र, समस्याएं, सीमाएं, संकल्पना और विकास, प्रतिष्ठित प्रतिपादक उदाहरण जैसे देवीप्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, प्रदोष गुप्ता, शंखु राय चौधरी। जैसे अब देवीप्रसाद राय चौधरी की बात करें, देवीप्रसाद राय चौधरी की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वो है ट्राइम्स ऑफ लेबर। ये कब बनाई गई है, ये कहाँ रखी गई है, ये सारी चीज़ें। राम किंकर बैज की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति हैं यक्षी, संथाल परिवार, और फिर प्रदोष दास गुप्ता का डेट ऑफ बर्थ क्या है, शंखुराय चौधरी। अब हमारा नेक्स्ट आता है समकालीन भारतीय मूर्तिकार, जिसमें नवीन सामग्री और तकनीकों के साथ देसी ज्ञान का संयोजन, चयनित व्यक्ति से BC सान्याल, सोमनाथ होर, KG सुब्रमण्यम, विमान विदास, मीरा मुखर्जी, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, लतिका कट्ट, जयराम पटेल, अजीत चक्रवर्ती, सुसेन घोष, सतीश गुजराल, वेद नायर, PV जानकी रमन, शिव सिंह, बालन नवियार, एस नंद गोपाल, महेंद्र पांड्या, रजनीकांत पांचाल, मृणाली मुखर्जी, KCS पणिक, मृणाली मुखर्जी, KS राधाकृष्णन, एस नंद गोपाल, ध्रुव मिस्त्री, प्रतिपाल सिंह लाडी, अनीता दुबे, रविंद्र रेड्डी, NS रिमझन, पुष्पमाला, सुदर्शन सेट्टी, सुबोध गुप्ता, अनीश कपूर इत्यादि। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे जो भी वीडियो लाऊँ उसमें इस सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कराती जाऊँ। जैसे कुछ आर्टिस्ट के डेट ऑफ बर्थ हो गए, उनकी चित्रण हो गई, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी करने के लिए। उसमें अब मैं जैसे केवल डेट ऑफ बर्थ की ही केवल वीडियो में बना दूँगी, तो वो सारी चीज़ें मैं लाऊँगी। नेक्स्ट है चुनिंदा आधुनिक एवं समसामयिक पाश्चात्य मूर्तिकारों का योगदान, इसमें ओनोरे दोमिए, अगस्त रॉडिन, केमिल क्लोडल, पॉल गॉगिन, अरिस्टाइट मेलोल, एडवाइंड बॉर्डेले, हेनरी मातिस, एंसर्ट बर्लाज, कास्टिंग ब्रांकुसी, पाब्लो पिकासो, अलेक्जेंडर आर्किपेंको, रेमंड डूंसा, जैक्स लिप्टिस्ड, हेनरी लॉरेंस, अम्बेर्टो बोचियोनी, व्लादिमीर टेटलिन, नाम गाबो, सोफी टावर, जीन आर्प, मैक्स एंसर्ट। उसके बाद हमारे से फ्लैनागन हो गए, जॉर्ज बेसिल्स हो गए, जिमी दुरहम हो गए, जेफ स्कून हो गए, किकी स्मिथ। तो ये हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगी जो भी बुक्स हैं इस सिलेबस को कवर करने के लिए, जो बुक मैंने खुद भी फॉलो की है, तो वो सारी बुक मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।